दौरान ऐसे तमाम चिकित्साकर्मी जो छोटे हों या बड़े, सीनियर हो या जूनियर, सभी ने अपना महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो अदा की थी। अभी अलग अलग मांगों को लेकर इंटर्न डॉक्टर जो हैं वो भी बैठे हैं स्ट्राइक पर, उनका 12वां दिन है, उनसे बात करेंगे। पहले अपना शुभ नाम बताइए आप। मेरा नाम डॉक्टर वलय पटेल, बीजे मेडिकल कॉलेज, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट इंटर्न। समस्या क्या है खास करके आपको, जिस तरह से आपने लिखा है कि FMGS स्टाइपेंड, ये सब जो समस्या, मूल समस्या क्या है और किन दिक्कतों के कारण आज आपको हड़ताल करने की जरूरत पड़ रही है? चलो, मूल समस्या पहले तो ये हमारे हड़ताल नहीं है, ये हमारे हक की लड़ाई है। आज हमारा 12वां दिन है ये हक की लड़ाई लड़ते हुए। लड़ाई ये है कि नवंबर 2021 में नेशनल मेडिकल कमीशन द्वारा एक GR बार निकला, जिसमें ये लिखा है कि हर एक इंटर्न को कोई इंटर्नशिप की फीस नहीं पे करनी पड़े और स्टाइपेंड जिसका जितना जिस जगह पे चलता हो वो उनको दिया जाए। आज उस बात को लेके 4 से 5 महीने हो गए, दूसरी जगहों पे मिलना चालू हो गया, इंटर्नशिप की फीस थी वो वापस दे दी गई, पर हमारे गुजरात में ये बात नहीं हुई। आज लाल किले का फरमान होते हुए भी यहाँ पे माना नहीं जा रहा है। इसके कारण हमें ये आज 12वां दिन है कि हमें ये लड़ाई लड़नी पड़ रही है और कहीं से भी हमको संतोषकारक जवाब मिल नहीं रहा। हमने लिखित में भी रजूआत की है, मुख्यमंत्री साहब से की है, नाणा मंत्री श्री से की है और हमारे आरोग्य मंत्री श्री ऋषिकेश पटेल साहब को भी की है और ये मुद्दा उन सबके ध्यान में है, पर कोई इस पे काम नहीं चल रहा है। हमारा हमारे डीन सर हैं वो भी हमारे साथ नहीं खड़े रहते और उल्टा कॉलेज से भी हमको ये प्रेशर किया जाता है कि ये तुम्हारे हक की लड़ाई छोड़ दो और जो है वो फटाफट ज्वाइन हो जाओ ये सब। और हमारे सामने ही रेसिडेंट डॉक्टर और सब स्ट्राइक में हैं और सब काम हमसे कराना है, पर ये चीज़ है कि कुछ देना नहीं है, भले हमें लाल किले से फरमान आया है। ये कारण क्या है? आपने कहा कि लाल किले से फरमान आ रहा है, फिर इसके बावजूद भी यहाँ पर माना नहीं जा रहा है, कोई कारण बताया जा रहा है प्रशासन की तरफ से, तंत्र की तरफ से? सर, प्रशासन खुद है, क्योंकि प्रशासन को भी कागज़ मिले हैं, आज गुजरात मेडिकल काउंसिल है, उन सबके पास कागज़ हैं, सबको ये मुद्दा पता है कि क्या है, कहाँ पे अटका है, खाली देने के लिए पता नहीं चल रहा है कि क्या इनको दिक्कत आ रही है, जब ऊपर से फरमान आया हुआ है तो भी। अब अंदर की बात तो हम लोग जान नहीं सकते, हम तो यूँ कहते हैं लिखित में कुछ भी दे दो तो हमको समझ में आए कि हम किस तरह से बढ़े, ये तो कोई जवाब ही नहीं है, बस शून्य अवकाश जैसी स्थिति है। बस शून्य अवकाश जैसी है, पर मैं भी कहता हूँ कि मैं भी गांधी के देश का आदमी हूँ, जब तक मुझे हक नहीं मिलेगा तब तक वल्लभ यहाँ पे ही बैठेगा। अब सरकार अपनी तरह से कुछ कर नहीं रही है, आप लोग यहाँ 12 दिन हो गए हड़ताल पर बैठे हुए हैं, या यूँ कहें कि अपने हक के लिए बैठे हैं, क्या लगता है अगर सरकार नहीं मानेगी तो आपका ये जंग जो है वो जारी रहेगी? हाँ जी, ये जारी रहेगी, क्योंकि ये हमारे राइट्स के बात है और जब रूल्स एंड रेगुलेशन की बात आती है तो सभी बात करते हैं, फॉलो करने में आगे होते हैं, लेकिन जब हमारी राइट्स की बात आती है तो कोई करता नहीं है। और हमारे न्यू जो गाइडलाइंस हैं NMC की 2080 और रिमाइंडर भी आया था जो कि 4 मार्च को आया था NMC के थ्रू कि स्टाइपेंड उनको देनी है और फीस नहीं लेनी है, तो हम सिर्फ हमारा राइट्स मांग रहे, किसी से एक्स्ट्रा नहीं मांग रहे, तो हमारा वो हक है तो हम नहीं छोड़ेंगे। एंड जब राइट्स की तो है ही कि हमारे कोई ले भी नहीं सकता तो वो भी नहीं ले सकते, उनको देना ही पड़ेगा। बस वो जल्दी से जल्दी इस पर एक्ट करे और हमें हमारा जो ये मैटर है वो कंसिडरेट करे, क्योंकि बाकी स्टेट में ये लागू किया गया है, रिफंड भी उनको मिला है और स्टाइपेंड भी दिया जा रहा है, सिर्फ हमें नहीं दिया जा रहा है। और ये हम यहाँ पे MCI एग्ज़ाम जो होती है स्क्रीनिंग की, वो एग्ज़ाम पास करके यहाँ पे एज अ इंडियन डॉक्टर एज अ प्रैक्टिस कर सके, एज अ प्रैक्टिसनर हम एलिजिबल होते हैं, तो ये करने के बाद हम यहाँ पे इंटर्नशिप कर रहे हैं, तो हमें सेम प्लेटफॉर्म पे रखा जा रहा है, तो वो सेम ट्रीटमेंट हमें ट्रीट किया जाए और हमें हमारे राइट्स दिलाए जाए। खास करके अगर अब बात करते हैं कि जिस तरह से 12 दिन हो गए सरकार मान नहीं रही है, जैसा कहा कि लाल किले से फरमान आ गया है, अब आगे लड़ाई आप लोगों की कैसी रहेगी? आगे तक जब तक हमें हमारा पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिलेगा तब तक हम ये लड़ाई तो नहीं छोड़ने वाले हैं, बिकॉज अगर दूसरे राज्यों में मतलब कि स्टाइपेंड वगैरह दे रहे हैं तो गुजरात में क्यों नहीं? आपने कहा कि गांधी जी के देश में वलय पटेल यहीं रहेगा, कब तक? जब तक हमको जवाब नहीं मिलता, जब तक हमको संतोषकारक ऐसा नहीं मिलता लिखित में कि ऐसे, तब तक मैं यहीं पे रहूँगा। हमने पहले दिन से ये स्ट्रेटर्जी बनाई कि हम शांतिपूर्वक एकदम 10 से 12 हम ये विरोध दिखाएंगे हमारे राइट्स का, बस ये हमारा कंटिन्यूस रहेगा जब तक चलेगा। तब स्वाभाविक है, जिस तरह से इंटर्न डॉक्टर भी अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं,
कहना स्पष्ट है कि जब दूसरे राज्य कर रहे हैं, दिल्ली से फरमान आया है, तो फिर गुजरात सरकार को क्या दिक्कत है, क्या अड़चन है? लड़ाई हक के लिए जारी रहेगी। कैमरा पर्सन मुकेश परी के साथ अनिल पटेल, पंचायत टीवी, अहमदाबाद। घर विहोणा ने आवास विकास साथे जन सेवानो मक्कम निर्धार आपनु अहमदाबाद। अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा विकास ने अवरोधती झूपड़पट्टी दूर थाय, अहमदाबाद नी प्रगति वधु तेज थाय ते हेतु ने ध्याने राखी अभूतपूर्व निर्णय लेवामां आव्यो। एएमसी स्टैंडिंग कमिटी ना चेयरमैन श्री हितेशभाई बारोट द्वारा जन सेवा अने विकास बन्ने सिद्ध थाय ते माटे झूपड़पट्टी नी जग्याए घर मळी रहे तेओना रहेवानी वैकल्पिक व्यवस्था त्वरित उभी करी शकाय ते अनुसंधाने निर्णय लेवामां आव्यो। एएमसी ना हद विस्तार मा टीपी स्कीम अंतर्गत मळता प्लॉट पैकी गरीब आवास योजना ना प्लॉट मा मकानो बनावामां आवे छे। 28 चौरस मीटर ना आ मकानो विविध सुविधा थी परिपूर्ण होय छे। शहर ना जुदा जुदा विस्तारों मा 23,000 थी वधु आवासों नुं निर्माण थई रह्युं छे, तेमज नवा मकानों नी निर्माण प्रक्रिया पण चालू छे। प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत नव निर्माण पामनार अने जेनो ड्रॉ नथी थयो तेवी आवास योजना मा 10% થી 20% સુધીના આવાસોને ઝૂંપડપટ્ટી વિસ્તારના નાગરિકો માટે ખાલી રાખવામાં આવશે, જેથી તેઓની સ્થળાંતરની પ્રક્રિયામાં અગવડતા નહીં ઉદ્ભવે, વિકાસની ગતિમાં ઝૂંપડાને કારણે અડચણો ઊભી નહીં થાય, તેમજ કાર્યમાં થતા વિલંબને કારણે વધતા ખર્ચને પણ અટકાવી શકાય। ઘરના ઘર સાથે વિકાસનો નિર્ધાર કરતું અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન।